रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली किचन विद अस्मा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे मफन्स की रेसिपी शेयर करूंगी सैंडविच मेकर में। 5 मिनट में रेडी हो जाएगी हमारी रेसिपी। बहुत ही आसान है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी से ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, ये टेबलस्पून मैंने इस्तेमाल की है। ये हम जो खाने में चम्मच इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने 2 टेबलस्पून ये वाली ली है। इसको हम बड़े बाउल में शिफ्ट कर देंगे। साथ ही हम इसमें ये चीनी शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून। साथ में मैं ऑयल डाल दूंगी। देखिए 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही दूध भी 1 टेबलस्पून। अब साथ में 1 अदद अंडा डाल देंगे इसमें। इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। अगर थोड़ा बैटर सख्त होता है तो साथ में हम दूध और शामिल कर देंगे। ये देखें, ये थोड़ा सख्त है, इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम और दूध शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने आपको चम्मच की मदद से इसलिए सिखाया है कि अगर किसी के घर में मेजरमेंट कप नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आसानी से आप चम्मच से भी अंदाजा लगा के बना सकते हैं। इसका लास्ट स्टेप इनू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए आप वार्म वाटर या वार्म दूध कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकती हैं, और हाफ पैकेट लेना है। इनू जो होगा वो ये 1 टीस्पून होता है, आप हाफ टी स्पून लीजिएगा। एक्टिवेशन के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। ये देख लें, ये एक्टिवेट हो चुके हैं। हम इसे अच्छी से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, ये देख लें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले एक सैंडविच मेकर ले लेंगे। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल से मैं पूरे सैंडविच मेकर पे ग्रीसिंग कर लूंगी और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो मैं निकाल लूंगी। इसके ऊपर वाले साइड पे भी कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने बटर बनाया था शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून डालनी है एक साइड पे। ये देखिए, ये फिल हो चुका है। इसी तरह हम सब में डाल देंगे। ये देख लें, मैंने इसको फिल कर दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और स्टार्ट करेंगे। ये देख लें, मैंने ऑन कर दिया है। इसकी दोनों लाइट्स ऑन है। जब इसकी एक लाइट ऑफ हो जाएगी उसके 1 मिनट के बाद हमें इसे बंद करना है। ये देखें जी, एक लाइट ऑफ हो चुकी है, लेकिन हम 1 मिनट का इंतजार करेंगे। ये देख लें, अब 1 मिनट गुजर चुका है। हम पहले इसे बंद करते हैं। ये बंद हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जबरदस्त बने हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि अंदर से पके हैं या नहीं। देखिए, बिल्कुल क्लीन है। चलिए अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए, थोड़ा गर्म है। जितना बैटर आपको मैंने बनाना बताया इससे तकरीबन
10 बन जाते हैं आराम से। मफिन्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैं आपको भी ट्राई करके बताती हूँ, उसको देख के बताती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, देख लीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जब भी कोई मेहमान आए तो 5 मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी है ये। और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, फी अमान अल्लाह।